क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ हो गया। हमारी बच्ची जैसी थी वो। ये नैना से मिलने के लिए कोई आता था? जी नहीं, दोनों भाई बहन से कोई मिलने नहीं आता था। हाँ, विराट की एक गर्लफ्रेंड थी राष्ट्रीय, जिसका उससे ब्रेकअप हो गया और फिर विराट की जिंदगी तो नैना के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी। वैसे अभी कुछ दिनों पहले विराट ने मुझे बताया था कि उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आया था चंडीगढ़ से, पर उसने तकरीबन सोच लिया था कि वो वहां नहीं जाएगा। अपनी बहन को अकेले छोड़कर जाने के लिए वो डरा, पर बाद में काफी समझाने के बाद वो राजी हो गया। और विराट के जाने के बाद नैना हमारी जिम्मेदारी बन गई। उसी बीच आप लोगों की जिम्मेदारी थी। इसका मतलब आपके अलावा इस घर में कोई नहीं है? नहीं, हमें कोई औलाद। सर, सीसीटीवी फुटेज मैंने पूरा चेक कर लिया है, उसमें नैना के बाहर जाने का कोई फुटेज नहीं है। स्ट्रेंज। लेकिन सर, पीछे के गेट का सीसीटीवी खराब है, अगर नैना उससे बाहर गई हो तो कुछ कहना मुश्किल है। ये कैमरा कब से खराब है? साहब 10-15 दिन से है। सेक्रेटरी साहब को पता है पर वो टेक्नीशियन आता ही नहीं है साहब। उनका सर्विस बहुत खराब है साहब। ये कैसे पटा? साहब कुछ लोगों को एंट्री करना बहुत बुरा लगता है, उस दिन भी ऐसा ही हुआ था साहब। साहब एंट्री करके जाओ। जानता है मुझे तू? जानता हूँ साहब, फिर लेकिन बाद में मुझे सुनना पड़ता है। खाली जो लोग यहाँ रहते हैं उनको ही बिना एंट्री के अंदर जाने दे सकता हूँ? बाबू तो मैं भी तो यहाँ रहता था। रहते थे ना साहब, अब तो नहीं। एंट्री करो ना साहब। अबे जा, चल साहब। एंट्री किए नहीं जा सकते साहब, एंट्री करो साहब। अबे तेरी एंट्री की माँ की। सीसीटीवी फुटेज में इंसिडेंट है सर। तुमने कहा कि तुम उसे जानते थे, कौन था वो? साहब उनका नाम जतिन है, वो अलूवालिया साहब के बेटे हैं साहब। क्या? क्या कहा था आपने कि आपकी कोई औलाद नहीं है? आपने अपने बेटे को बचाने के लिए हमसे झूठ बोला। नहीं सब, मैंने कोई झूठ नहीं बोला सब, और मैं किसी को बचा नहीं रहा हूँ। सचमुच में मेरी कोई औलाद नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन खून का रिश्ता ऐसे नहीं झुटलाया जा सकता। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।